दोस्तों, माझा टेक्निकल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर से तो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप काफी सारे ऐसे यूट्यूबर को देखते होंगे जिनके चैनल को यूट्यूब सस्पेंड कर देता है, यानी कि डिलीट कर देता है। अगर किसी भी यूट्यूबर का चैनल जो है वहां पे डिलीट हो जाता है तो क्या डिलीट होने के बाद वो चैनल वापस किया जा सकता है, यानी कि रिकवर किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है, वो आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। सबसे पहले अगर आपका भी चैनल सस्पेंड हुआ है तो वहां पे देखना पड़ेगा कि किस कारण से आपके चैनल को डिलीट किया गया है। नॉर्मली आप देखेंगे तो दो ही वजह से जो है किसी भी यूट्यूबर का चैनल डिलीट किया जाता है। पहला, जब आपके चैनल पे 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है या फिर यूट्यूब की तरफ से 3 कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक डाला जाता है। ये दोनों जब आपके यूट्यूब चैनल में आ जाता है, ये दोनों में से कोई भी आता है, तभी आपके चैनल को यूट्यूब वहां पे डिलीट करता है। अदरवाइज कोई ऑप्शन वहां पे नहीं होता है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि न तो यूट्यूबर के यूट्यूब चैनल पे कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आता है और न ही यूट्यूब की तरफ से कोई कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक आता है, उसके बाद भी उनके चैनल को जो है यूट्यूब वहां पे सस्पेंड कर देता है। बिना कोई नोटिफिकेशन दिए हुए यूट्यूब चैनल को डिलीट कर देता है और वहां पे सिर्फ एक मैसेज भेज देता है कि किसी कारण से हम आपके यूट्यूब चैनल को डिलीट कर रहे हैं। रीजन भी वहां पे साफ साफ नहीं बताया जाता है। चलिए, जिस वजह से भी हो, अगर आपका चैनल डिलीट वहां पे हो चुका है तो वहां पे रिकवर कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि 90% केसेस में यही होता है कि वो चैनल रिकवर नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ वहां पे 10% ही चांस बचता है जहां पे आपके चैनल को रिकवर किया जा सकता है। लेकिन वहां पर भी ऑप्शनल होता है। अगर आपका चैनल जो है कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से डिलीट हुआ है, कोई व्यक्ति यानी कि 3 क्रिएटर्स या फिर एक ही कोई क्रिएटर्स 3 वीडियो पे आपके चैनल पे स्ट्राइक डाला है और उसको लेकर अगर आपका चैनल डिलीट हुआ है तो फिर वो चैनल आपका रिकवर नहीं हो सकता है। या फिर अगर YouTube के तरफ से ही 3 कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक डाला गया है तो वहां पर भी आपका चैनल डिलीट नहीं होता है। लेकिन कई बार आप देखते होंगे आपके YouTube चैनल पे फेक कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है, यानी कि क्रिएटर्स जो है YouTube के पास सिर्फ एक नोटिफिकेशन भेजते हैं, आप उस क्रिएटर्स का ना तो ऑडियो इस्तेमाल करते हैं ना वीडियो इस्तेमाल करते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ एक नोटिफिकेशन डाल के आपके चैनल पे फेक स्ट्राइक डलवा देता है। तो वैसी स्थिति में अगर फेक स्ट्राइक की वजह से आपका चैनल डिलीट हुआ है तो आपके चैनल के डिलीट होने के 1 महीना बाद नहीं, 6 महीना बाद नहीं, आप साल भर के बाद भी जो है यूट्यूब के पास आप अपना नोटिफिकेशन भेज सकते हैं और यूट्यूब वहां पे फिर से आपके चैनल को वहां पे चेक करता है और रिव्यू में लेने के बाद लगता है कि बिल्कुल ये फेक स्ट्राइक है तो उस स्थिति में आपके चैनल को यूट्यूब जो है वापस कर देता है। लेकिन रियल स्ट्राइक है, आप उसका कोई कंटेंट इस्तेमाल किए हुए हैं, तब आपका चैनल जो है वहां पे वापस नहीं होने वाला है। दूसरी स्थिति, अगर YouTube के तरफ से कम्युनिटी गाइडलाइंस आया हुआ है तब तो उस स्थिति में YouTube कोई सुनने वाला ही नहीं है। अगर खुद YouTube आपके चैनल पे कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक डाले हुआ और उसके कारण आपका चैनल डिलीट हुआ है तो वहां पे 110% आप वहां पे समझ लीजिए कि आपका चैनल वहां पे रिकवर नहीं होता है। लेकिन ये दोनों हो गया, एक कॉपीराइट स्ट्राइक और एक कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक। लेकिन इसके अलावा जो हम आपको बताए हैं कि कई बार कुछ क्रिएटर्स के साथ ऐसा भी स्थिति उत्पन्न हुआ है जहां पे यूट्यूब की तरफ से कोई भी मैसेज नहीं भेजा जाता है, कुछ रीजन नहीं बताया जाता और बिना किसी रीजन के उनके यूट्यूब चैनल को यूट्यूब वहां पे डिलीट कर देता है और वहां पे यूट्यूब साफ साफ बताता भी नहीं है कि किस कारण से आपके यूट्यूब चैनल को वहां पे डिलीट किया गया है। तो उस स्थिति में आपको करना क्या पड़ेगा कि जो बड़े यूट्यूबर हैं जिनके पास नंबर ऑफ सब्सक्राइबर काफी ज्यादा है या फिर जिनके पास व्यूअर्स ज्यादा हैं, आपको उनसे संपर्क करना पड़ेगा और ऐसा एक ग्रुप डेवलप किया जाता है। कुछ बड़े जो यूट्यूबर हैं वो एक साथ उस क्रिएटर को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं और जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं वो यूट्यूब टीम से संपर्क करना शुरू कर देते हैं और आपका जो वहां पे जो इन्फॉर्मेशन है या फिर आपके साथ जो समस्या हुआ है वो यूट्यूब टीम के पास सारे क्रिएटर्स जो है भेजना शुरू कर देते हैं। उस स्थिति में यूट्यूब टीम जो है मैनुअली आपके चैनल को वहां पे रीचेक करती है और उसके बाद अगर लगता है कि ये डिसीजन गलत है तो उस स्थिति में आपके चैनल को जो है वहां पे रिकवर कर दिया जाता है, यानी कि फिर से आपका चैनल वहां पे वापस आ जाता है और फिर से आप वर्क करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ 90% ही उम्मीद रखिए, उसमें भी अगर कॉपीराइट स्ट्राइक है या फिर कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक है तो वहां पे एक ऑप्शन दिया जाता है। YouTube आपको एक मैसेज देता है कि आप 7 दिनों के अंदर अगर आप उस स्ट्राइक को रिमूव करवा सकते हैं, अगर कोई क्रिएटर आपके चैनल पे स्ट्राइक डाले हुआ है तो आप उस क्रिएटर से संपर्क कीजिए, चाहे ईमेल के द्वारा आप संपर्क कीजिए या फिर फोन के द्वारा संपर्क कीजिए, और अगर वो क्रिएटर 7 दिनों के अंदर आपके चैनल से स्ट्राइक हटा देता है
तो फिर आपके चैनल को YouTube जो है डिलीट नहीं करता है, वहां पे रिकवर कर देता है। लेकिन 7 दिनों के अंदर अगर वो क्रिएटर्स वहां पे रिकवर नहीं करता है तो उस स्थिति में 8वां दिन आपका चैनल ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। एक क्रिएटर से जिनके तरफ से मैसेज किया गया कि उनका चैनल जो है वहां पे सस्पेंड हो गया है ड्यू टू वहां पे कॉपीराइट स्ट्राइक, यानी कि किसी क्रिएटर ने 3 स्ट्राइक डाला और उस स्ट्राइक को लेकर उनके चैनल को यूट्यूब डिलीट कर दिया। उसके बाद जब उस क्रिएटर से वो यूट्यूबर संपर्क करना शुरू किए तो कुछ दिनों के बाद वो जो क्रिएटर है एक मैसेज भेजता है कि 1 महीना के बाद जो है आपके चैनल को यूट्यूब वापस कर देगा। तो इस स्थिति में आप बिल्कुल मत रहिए, इस असमंजस में आप बिल्कुल मत फंसिए। ध्यान रखिए 7 दिनों का ही आपको समय मिलता है। अगर 7 दिनों के अंदर आपका चैनल वापस नहीं हो रहा है तो चाहे वहां पे स्ट्राइक डालने वाला ही क्यों ना हो या फिर कुछ क्रिएटर्स आपको सपोर्ट करने वाला क्यों नहीं हो, उसके बावजूद भी आपका चैनल जो है वहां पे रिकवर नहीं होता है।